हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की जो मेरी क्लास है ये क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमपी सेट और यूजीसी नेट सोशल वर्क दिसंबर 2024 की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। आप सभी को मैं बता दूँ कि यहाँ यदि आप एमपी सेट सोशोलॉजी की क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 3500 रुपये रखी गई है। 15 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम है और तब तक आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि मैं आप सभी लोगों को यूनिट के क्रम में प्लेलिस्ट यानी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूं और साथ ही साथ आपको पूरे नोट्स भी क्रम के रूप में आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूँ। एमपी सेट सोशोलॉजी की क्लासेस अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं मात्र 3500 रुपये में। आज मेरी क्लास थी, क्लास जो समय है उसको 8 से 9 था, जहां मैंने डिस्कशन आप लोगों से किया था इरविन गॉफमैन के बारे में, यहां तक कि हेराल्ड गॉरफिकेल के बारे में। और यूनिट नंबर 1 का ही तीसरा पॉइंट है, उसके संदर्भ में 4-5 विद्वानों के बारे में जिक्र किया गया है। सूटज मीट अल्फ्रेड सूटज के साथ साथ मैंने गॉरफिकेल के बारे में भी जिक्र किया, गॉफमैन के बारे में बात किया है, इन सभी के बारे में जिनकी टॉपिक हमने कवर कर लिया। आज हम उनके संदर्भ में प्रश्न देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। यदि आप यूजीसी नेट की क्लास परचेज करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट की क्लास का जो बेसिकली फीस रखी गई है वो मात्र 4000 रखी गई है, जहाँ आप लोगों को यूनिट क्रम में रिकॉर्डिंग क्लासेस भी दी जाएगी और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, मॉक टेस्ट भी है, पीवाईक्यू भी आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें इसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, शाम को चलती है इसकी क्लास, शाम को 7 to 8 PM जो क्लास यूजीसी नेट सोशल वर्क पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर आप चाहो नोट कर सकते हो यहाँ पर 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल के माध्यम से भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है। यदि प्रश्न पूछा भी जाएगा आगामी एग्जाम में दिसंबर 2024 में तो कुछ इस तरीके के प्रश्न आपके सामने प्रकट हो गए। हालांकि ये प्रश्न यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो यूजीसी नेट के बच्चे भी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सवाल पहला कहता है कि जुलाई 2018 में पूछा गया था, कहता है मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किन के सृजक हैं, किसके सृजक हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मी यानी मुझे, आई और मी का एक कॉन्सेप्ट है, इन दोनों के बीच में सेल्फ निकलता है और इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा सामान्यीकृत अन्न और महत्वपूर्ण अन्न किसके सृजक हैं, तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन बी यानी मी के। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरा कहता है कि गॉफमैन की कृति है प्रोजेक्टेशंस ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रश्न दिया गया है अभी अभी हम लोगों ने इरविन गॉफमैन के बारे में पढ़ा है, ये किताब 1959 की है और ये नाट्यकला पे, इसको नाट्यकला को एक शब्द में और आप पूछा जा सकता है, नाटककारिता शब्द लिखा रहेगा तब भी आपका, यहाँ पर कभी कभी अनुभववाद भी शब्द लिखा रहेगा तो भी ऑप्शन ये सही चला जाएगा। बेसिकली ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी सॉरी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, नाट्य कला। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे तीसरे पे, नवंबर 2017 में ये सवाल पूछा गया था, मीट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहा गया कि कृति के में महत्वपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति निम्न में से क्या पद कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संपूर्ण समुदाय की जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड मीन्स होता है मनोवृत्ति, अथवा आप ये कह लीजिए कि किसी खेल में पूरी टीम, मतलब कोई खेल हो रहा है तो उसमें पूरी टीम की जो एटीट्यूड है वो क्या पद देगी। तो वह बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँगा तो यहाँ पर तीसरे में सामान्यीकृत अन्य शब्द आएगा और ऑप्शन नंबर आपका अगेन यहाँ पर बी सही जाएगा। तो याद रखिएगा बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। वहीं बात करते हैं प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है, तो अल्फ्रेड सूटज को माना जाता है। अगेन आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे फिफ्थ के बारे में और पांचवें नंबर का सवाल कहता है कि सूटज के अनुसार, ये सूटज के अनुसार, ये बात सूटज की है, उसके अनुसार कहा कि बेबर में निम्न में से किसके बारे में नहीं कहा। बेबर ने जो अल्फ्रेड सूटज के अकॉर्डिंग है वही बात बेबर ने बोला है नहीं के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको इसका एलिमिनेट करना है। तो एक कर्ता का अभिकर्ता अभिप्राय कैसे निर्मित होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे कहा ये इसके बारे में सही नहीं है। वे स्वयं और अन्य के बीच में
अनूठे और बुनियादी संबंधों की पहचान करने का प्रयास नहीं करता, अतः ये भी गलत है। आप कह सकते हो कि जो तीसरा ऑप्शन जा रहा है यहाँ पर एक और दो यानी दोनों, तो ये सही जवाब जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे सुमेलित करने वाले प्रश्न को लेकर, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सही जवाब देना है। यहाँ अगर प्रोजेक्टेशंस ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ की बात करते हैं तो 1959 का, और आप कह सकते हो हेराल्ड गॉफिकेल का नाम। द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी की बात करेंगे तो आप कह सकते हो कि इरविन गॉफमैन का नाम भी यहाँ पर रिलेट हो जाएगा। इरविन गॉफमैन का, क्या इरविन गॉफमैन यहाँ पर करेक्ट होंगे? यहाँ सवाल अगर आपके सामने आया है, देखिए यहाँ तो एक स्टडी इन, इसको अभी आप हटाइए, यह स्टडी इन एथनोमेथोलॉजी के बारे में अभी हम लोगों ने बात जो है देखा भी है, यहाँ पे नाम आता है इरविन गॉफमैन का तो आपका एवरीडे आ जाएगा यार, इस पे आप इसको मैच करिए, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा हेराल्ड गॉफिकेल का नाम, ठीक है, हेराल्ड गॉफिकेल का नाम। चौथे का आपका जो बन जा रहा है यहाँ पर वो हेराल्ड गॉफिकेल का नाम बनेगा ना, और ये भी याद रखना है आप लोगों को 1967 में, ठीक है 1967 में। और सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी का आपको मैच करना है किस, और यहाँ पे द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी पीटर बर्गर का नाम आ जाएगा, द फिनोमोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड अल्फ्रेड सूटर्ज का नाम आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही जाएगा। पहले का आपका जो जाएगा वो तीसरा जाएगा, और जो बी का है वो आपका पहला जाएगा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी तो आपका जो सी मैच होगा वो चौथा मैच होगा, और जो डी वाला गया है वो आपका दूसरा मैच होगा। तो आप कह सकते हो 3142 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट माना जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, हेराल्ड गॉफिकेल निम्न में से किसको मूलभूत समाजशास्त्रीय प्रघटना मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? और यहां मैं आप लोगों से कहूंगा कि यहां पर कहा है कि मूलभूत प्रघटना समाजशास्त्रीय प्रघटना माना गया है, तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो भी गया है समाजशास्त्रीय तथ्यों की वस्तुनिष्ठता और सदस्यों की उपलब्धि के रूप में माना गया है, गॉफिकेल के अकॉर्डिंग ही है, और मैंने आपको आज बताया भी है आज क्लास में, यह IMP सवाल के रूप में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गॉफिकेल के अनुसार बताना है कि निर्जाति प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन एक प्रमुख बिंदु है, कौन सा एक प्रमुख बिंदु है? तो वे आत्मवाचक रूप में उत्तरदायी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जून 2017 विगत वर्ष में सवाल पूछा गया यहाँ पर कि निर्जाति पद्धति विज्ञान की विशेष उपागम कह लीजिए, ठीक है, का संस्थापक किसे माना जाता है? विशेष यानी आप विशिष्ट, मैंने भाई आपको बताया भी था स्पेसिफिक प्रक्रिया पर वो बल देता है, तो वो हेराल्ड गॉफिकेल का नाम होता है ना, चयन करने की बात होती, मैंने आज नोट भी करवाया है हेराल्ड गॉफिकेल में, ठीक है। किसका अपनी पद्धति में जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं से सरोकार था, क्वेश्चन नंबर 10 में सही ऑप्शन जो जाएगा वो अल्फ्रेड सूटज का नाम सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ गया, ये आपको बताना है यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। विनिमय बेसिकली पीटर एम ब्लाउ का नाम आ जाएगा, नाट्यकला में अगर आपका नाम इरविन गॉफमैन का नाम आ जाएगा, आत्मनिष्ठता शब्द अल्फ्रेड सूटज का नाम आ जाएगा, निर्देशिका शब्द जो आएगा गॉफिकेल का नाम। आज मैंने इसके 6-7 शब्द भी नोट भी करवाए हैं, गॉफिकेल की आज क्लास हुई आप लोगों को सुबह में 8 से 9, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो जा रहा है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जुलाई 2016 में एक सवाल पूछा गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंटल को लेकर, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंटल जो शब्द यहाँ पर दर्शाया गया है वो किसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट की बात की गई है तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर आप गॉफिकेल का नाम आप रखिए। और लाइफ वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो लाइफ वर्ल्ड जो है आपका अल्फ्रेड सूटज, ट्रामा टर्जी का नाम अगर आपसे पेपर में आता है तो इरविन गॉफमैन का नाम, और सोशल कंस्ट्रक्शंस का नाम अगर आता है यहाँ पर पीटर का नाम और लकमैन का नाम आप लगा सकते हैं। तो सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जाएगा। ये देखो सवाल पेपर में आ भी चुका है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा इनके सभी तथ्यों को नोट करिएगा। कल क्लास में मैंने आप लोगों को गॉफमैन और इरविन की कुछ किताबें मैंने स्किप किया है, छोड़ दिया है, उस किताबें को वर्ष के साथ शुरुआती में नोट करवा दूंगा, आप लोग उसे नोट भी कर लीजिएगा, कल की क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा मॉर्निंग में।
ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे स्वयं अपने चेतना प्रवाह में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सही विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्फ्रेड सूटज यानी बी ऑप्शन। जा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, द जनरलाइज्ड अदर की संकल्पना के प्रवर्तक कौन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 में सही जवाब हो जाएगा फिर यहाँ पर जी एच मीड का नाम। जनरलाइज्ड का मतलब होता है एक प्रकार से सामान्यकृत अन्य लिखा हुआ है। इसकी संकल्पना के प्रवर्तक अभी भी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है जी एच मीड का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 की किताब है। आप कह सकते हो जी एच मीड का नाम जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। नृजाति पद्धति शास्त्र पर अपने कार्यों में गॉर्फकील ने निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने प्रकट है। आप कह सकते हो कि संग्रहण अभ्याख्यान के बारे में जिक्र नहीं किया, बाकी तो अभी मैंने नोट भी करवाया आप लोगों के, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल आपके सामने प्रकट हो रहा है, ये आपको बताना है कि अल्फ्रेड सूटज की जो किताब है वो किताब का नाम बताना है। फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड आ जाएगा आपका, और पीटर बर्गर एंड थॉमस की किताब के बारे में अगर आपसे पूछता है तो द सोशल कंस्ट्रक्शन एंड रियलिटी अभी ऊपर आपने लगाया भी। हेराल्ड गॉर्फकील का नाम अगर आपसे पूछेगा तो ये स्टडी इन एथनोमेट्रोलॉजी 1967 का नाम है। इरविन गॉफमैन में आपकी अगर बात करते हैं प्रोजेक्टेशंस ऑफ रोल्स एंड एवरीडे लाइफ के बारे में 1959 की बात होती है, और ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अतः मैं आप लोगों से कहूँगा विकल्प जो सी वाला है वो आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 18 को लेकर, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर्वैयक्तिक की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में 18 का सही जवाब होगा हेराल्ड गॉर्फकील इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे 19 की तरफ हम लोग, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में निर्देशात्मक और निजवाचकता की अवधारणा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 19 में जवाब इसका होगा एडमंड हर्सन का नाम, ऑप्शन नंबर पहला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जून 2015 की बात अगर मैं करता हूं तो ये देखो सवाल आया है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड की पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये पीडीएफ थोड़ी सी ब्लर आ रही है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा एक क्लीन पीडीएफ, और ये इसकी क्लास दोबारा भी होगी। क्लास जैसे आपका यूनिट 1 समाप्त होगा तो उनमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा, उसमें सभी चारों ऑप्शनों की व्याख्या भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर केवल आप ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को पूछे जाते हैं जो मैं अभी इस समय आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कैसे कैसे नोट्स बनाना चाहिए ताकि इस प्रश्नों से आपको यह आइडिया मिल सके। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने प्रकट हुआ है, और यहाँ पर कह रहा है कि फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो सही जवाब आप बता सकते हो अल्फ्रेड सूटज का नाम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके विचार यूरोपीय घटना विज्ञान जो है घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतर्क्रिया विज्ञान का सम्मिश्रण का पार्ट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड सूटज का नाम। मीड के अनुसार सामान्यकृत अन्न और महत्वपूर्ण अन्न के जो है रचयिता कौन है। 22 के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ मुझको यानी आप मी शब्द को दर्शा सकते हैं। अगेन एक सवाल देखो पूछा भी गया है। 2014 की बात करते हैं, दिसंबर में स्टडी इन एथनोमेट्रोलॉजी नामक की पुस्तक किसके द्वारा ये लिखी गई है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया भी है, तो इसका सही जवाब आप बता सकते हो जो है हेराल्ड गॉर्फकील का नाम। समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी। यथार्थ बोध का निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता या प्रणालियों को स्पष्ट करता है। 24 में आप बता सकते हो एच गॉर्फकील का नाम। जून 2014 में ये देखिए पेपर, निम्नलिखित में से अन्योन क्रियावाद का एक तत्व नहीं है, एक तत्व नहीं है, आप बता सकते हो कि वो एलिमेंट कौन सा नहीं है। तो द ईगो शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही माना जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। तो आप सभी लोगों को अगर इसके संदर्भ में MPSET सोशियोलॉजी या UGC नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ ये क्लासेस डेली चलती हैं, लेकिन क्लासेस प्राइवेट है। आज मैंने आप लोगों के लिए पब्लिक क्लासेस करवाया है इसलिए कि ताकि आप जब क्लासेस लें तो उस दौरान आप सभी लोग ध्यान रखें कि कौन कौन सी पॉइंट आपके नोट्स बनाने, इसलिए शॉर्ट नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ पूरी डिटेल PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।